हाय फ्रेंड्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी मुझको कि मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे कि आपकी स्किन प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इससे आपका बेली फैट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आपकी डिलीवरी हुई है, फैट बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, फैट चढ़ गया है, वो भी कम करेगा। लेकिन हाँ, ये बेली कम करेगा। कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे हाथ पैर भी बारीक हो जाते हैं पेट कम करने के चक्कर में, तो ये वैसा नहीं करेगा। क्योंकि मैं खुद भी बहुत थिन हूँ और बेली मेरी बढ़ गई थी, तो उसे काफी उसने मदद किया है ये ड्रिंक ने। तो आप इसे भी ट्राई करिए, साथ में मैंने जो आपको बेल्ट यूज करने के लिए कहा है वो भी यूज करिए। अब आते हैं पिंपल्स की ओर। हमें पिंपल्स, रेडनेस, रैशेस क्यों होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? एक्चुअली इसका मेन रीजन ये है कि हम, चलो ये तो सभी को पता है, ऑयली खाना और तला भुना खाने की वजह से तो पिंपल्स आ ही जाते हैं। लेकिन उसका एक और बात ये है कि हमें जो बीमारी होती है, सर्दी खांसी बुखार, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें जो दवाइयाँ देते हैं उससे बस हमारी बीमारी दब जाती है, लेकिन उसे वो क्योर नहीं होती, मीन्स फिनिश नहीं होती है। तो उसकी वजह से हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है और कुछ देर बाद वही बीमारी किसी और रूप से हमारी बाहर आती है। लाइक रैश आ जाएगा, रेडनेस हो जाएगा स्किन पे, फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो अब मैं आपको ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा आपके साथ में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, इसके लिए हमें एक ड्रिंक की जरूरत होगी और इसे आपको रोज लेना है, ठीक है? इसे इसके अंदर आपको लगेगा, और ये पूरा लेना है, मींस हाफ, ऐसा नहीं कि हाफ टोमेटो ले लिया, ऐसा नहीं, पूरा एक कंप्लीट होल टोमेटो लेंगे, टोमेटो लेंगे, देन एक पूरा बीट, गाजर आपको पूरा लेना है, भले कितने भी साइज हो लेकिन पूरा लेना है, कोथमीर, थोड़ा सा 1 इंच अदरक, ये नीम पाउडर मैंने ले लिया है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो बाद में, मैंने आपको कहा है अलग से, रात को सोने के पहले थोड़ा सा शहद में मिला के ले लिया तो भी चलेगा आपका टेस्ट, अगर आपको नहीं चल रहा है तो। हींग लेंगे, देन ये भून कर पीस कर मैंने रखा है, ये है जीरा पाउडर, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, कड़ी पत्ता, रोज पेटल्स, अगर नहीं है तो किसी स्किप भी कर सकते हैं, पर रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। गाउठी जो गुलाब होता है वही यूज करिएगा, देसी गुलाब, और नहीं है तो स्किप करिए। यहाँ पर एक कोकोनट लिया है, एक डेढ़ इंच का कोकोनट का पीस ले लीजिए, उसको बारीक करके पूरा हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद में हम एक या दो चम्मच शहद इसमें मिला लेंगे, मिक्सर ग्राइंड करके इसे आप पी लीजिए। जरूरी नहीं है कि खाली पेट ही लेना है, नाश्ते के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। अब इसके बाद आपके साथ क्या होगा मैं वो बोलती हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप रीदा हर्बल का भी इस्तेमाल करिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा असर देगा पिगमेंटेशन सब कुछ दूर करने के लिए, फेस के प्रॉब्लम्स। उसमें अबाउट 28-29 जड़ी बूटियाँ है, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, बेबी को मसाज करने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है, बॉडी पॉलिशिंग के लिए। अमेजोन पे जाके रीदा हर्बल सर्च कर लिए और आपको हमारे सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ उसे भी इस्तेमाल करिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास रेड कलर वाली छोटी मूली है तो आप उसे भी पूरा डाल दीजिए, मेरे पास है नहीं एक्चुअली, इसीलिए मैंने आज स्किप कर दिया। अब ये पीस के ऐसा हो जाएगा, आप उसके अंदर एक डेढ़ गिलास पानी भी मिला लिए, पहले घुमा ले, फिर उसके बाद और थोड़ा सा पानी मिला के और घुमा लीजिए ताकि एक फाइन अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, ये सा रेड कलर का बनेगा। अब इसमें और दूसरे नुस्खों में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बताती हूँ। मैंने दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई की है, लाइक लेमन, खाली पेट नींबू, शहद, क्या क्या बोलते हैं लोग, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया है। दूसरे चीज़ों से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा बीपी डाउन हो जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं घर का कोई भी दूसरा काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसके अंदर बीट है, सब कुछ है, टोमेटो है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन का भी बैलेंस बराबर रहता है, पोटेशियम सब कुछ बराबर रहता है, तो जिससे बीपी आपका लो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ज़्यादातर खाली पेट में अगर ये सब चीज़ें आप लोगे तो बीपी लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर बेटर है कि मैं तो एक्चुअली नाश्ता करने के, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही इसे लेती हूँ। आप देखिए आपके हिसाब से, आप जैसा आपको जमता है। अब इससे आपको क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ, ओके? वरना आप बोलोगे ये पी लोगे और इमीडिएटली आपके पिंपल सब चले जाएंगे, वैसा होने वाला नहीं है। ये पीने के बाद आपको एक्चुअली आपके जो लीवर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है, लीवर काम करता है खून साफ करने का, अब उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है अभी उनको किसी न किसी रूप से बाहर आना है, तो ये उसको मदद करता है फास्ट बाहर आने के लिए, इन्फ्लेमेशन बॉडी का।
तो अभी उसके वजह से आपके आपको कुछ भी हो सकता है। लाइक मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे फेस पे थोड़े बहुत पिंपल्स थे, लेकिन ये लेने के बाद वो बहुत ज्यादा हो गए, माथे पर बहुत सारे आ गए, चीक्स पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए। उसके बाद में 15 दिन तक वो और बढ़ते ही रहे, लाइक ज्यादा ही दिखते थे वो पिंपल्स। उसके बाद में अचानक से आज मेरा समझो 15th डे है, कल से आधे से ज्यादा पिंपल्स मेरे गायब हो गए, चले गए, और अभी फेस क्लीन हो गया है। तो ये हो सकता है आपको किसी और रूप से भी प्रॉब्लम हो, रेडनेस हो सकता है, रैशेस हो सकती है, लेकिन डरना नहीं, इसे कंटिन्यू ही रखे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो क्लीन हो रही है आपकी बॉडी अंदर से, आपका ब्लड प्योरिफाई हो रहा है, तो इसीलिए इसे पीते ही रहे, वरना आप डर के बंद कर दोगे। ऐसा मत करिए, कर पीते ही रहे। उसके बाद में आपके 15, आपको अब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कितना आपको प्रॉब्लम है लीवर में, तो हो सकता है 15 से 20 दिन भी लग जाए आपको, या हो सकता है 2 दिन में ही आप इसका फायदा ले सके, लेकिन ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगा 110%। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, और साथ में थोड़ा पानी ज्यादा पीजिए। पानी अगर ज्यादा पियोगे तो वो फास्ट रिजल्ट देगा आपको, और चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी, फेस पे ग्लो आएगा, पूरी बॉडी पे एक्चुअली ग्लो आएगा। तो इसे ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पिगमेंटेशन भी बहुत दूर करता है, कलर फेयर करने के लिए भी काफी अच्छा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, और इसे जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।